ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ इस हमले के डीएसपी समेत दो होर मुलाजम जख्मी हो गए जिन्हों इलाज के लिए हस्पताल दाखिल करवाया गया देखो पटियाला तो पत्रकार मनोज शर्मा की रिपोर्ट अज होया कैदियों वालों हमला होया कि जो मुलाजम है जख्मी है तो कौन कौन जख्मी हुआ सर हाँ जी ये अज सर्च के दौरान जेल अथॉरिटीज़ वालों अंदर सर्च की जा रही थी उस दौरान जो कैदियों वालों इन्हों पर हमला किया गया हवालातियों वालों उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने श्री वरुण शर्मा जी वो इंजर्ड हुए हैं तो एक हैड वार्डर ने सिकंदर सिंह तो वार्डर सरताज सिंह ये इंजर्ड हुए हैं जी जी तो किन्ने लोगों के उपर मामला दर्ज किया कि धारा तहत होया जी ये करीब नौ हवालातियों के नौ डीएसपी सिक्योरिटी ने सानू दिते ने जो लिखाए ने बयान दे विच उन्होंने खिलाफ़ असी अंडर सैक्शन 353, 186, 307 148, 149 के तहत असी कार्रवाई कर रहे हैं सर कौन सी चीज़ से हमला किया गया अंदर जेल के अंदर अंदर जो इन्होंने दसण मुताबिक बयान मुताबिक इट्टा रोड़े उन्होंने वालों चलाए गए इट्टा रोड़ों के साथ जख्मी जी सर कोई उच्च अधिकारी भी जख्मी हुए हैं हाँ जी डीएसपी सिक्योरिटी श्री वरुण शर्मा जी हवालाती काफी सट लगी उन्होंने इलाज अधीन ने अंदर ठीक सर थैंक यू।